अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाकी बस मैं उठ चुकी हूँ, असाद अभी सो रहे हैं, असाद अभी उठने वाले हैं, उनको बस उठाऊँगी मैं, ब्रेकफास्ट की ज़रा तैयारी कर लूँ। मैंने बनाने हैं फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि असाद ने मुझे रात में ही बता दिया था कि फ्रेंच टोस्ट बनाना। इग्नोर मैम, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा मुँह थुक्का बना हुआ होता है, तो अभी सूजा हुआ है, तो मैं ये बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी जनाब, तो मैं आज तकरीबन एक हफ़्ते बाद, मैंने लास्ट सैटरडे प्रॉपर ब्लॉग बनाया था, उसके बाद संडे को मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत शदीद फ्लू हो रहा था, मुझे खांसी अजीब सी, अभी भी मेरी आवाज़ प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज प्रॉपर ब्लॉग बनाते हैं। बाकी असाद चले गए थे, यस मैंने तेल लगाया, मैंने आज जम के अपने सर पर चंपी की और बालों को इस तरह, मैंने कहीं मैं जो चीज़ ना इंटरनेट पे शॉर्ट्स पे आजकल वीडियोस आ रही होती है, उसमें एक लड़की लिखा हुआ था, मैं अपने बाल मैंने ये सारे रोल किए हुए, इतने से बाल नहीं है मेरे, बाल थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मैंने ये तीन फ्लिप करके इस पर मैंने नीचे बैंड लगाया है, लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है। सब कुछ ट्राई कर लूँगी अपने ऊपर बाल अच्छे करने के लिए, क्योंकि मुझे बाल मेरे बहुत ख़राब हो रहा था। खैर, बाकी आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है सब कुछ? मैं आज एक अपलोड करने वाली हूँ, फूड चैलेंज किया था मैंने ताहा के साथ, स्पाइसी नूडल्स, जो कि मुझे बिल्कुल स्पाइसी नहीं लगे, नॉर्थ के जो नूडल्स थे वो मुझे एवं हवा था, मैंने बड़े इजीली खा लिया, तो वो भी आप लोग जाके चेक करें और प्लीज़ शो सम लव इन दैट ऑन दैट वीडियो, ताकि आगे मैंने अपना, एक्चुअली मैंने ये पूरा हफ्ता अपनी वीडियोज़ पर ऐसा कॉन्टेंट पर काम किया है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि डेली ब्लॉग से काम नहीं चल रहा है, आप लोग शायद बोर हो रहे हैं या क्या। इंशाल्लाह मैं अच्छा कंटेंट लाने वाली हूँ, मैंने अपने कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया है। एज़ यू ऑल नो, हम हाउसवाइफ जो होती हैं हमारे लिए बहुत इजी नहीं होता है सब कुछ करना, तो सोचा वो बहुत कुछ है, कुछ कंटेंट लिख लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रेडी हैं जो करनी है, इंशाल्लाह ताला देखिए, बस मैं आपको करती जाऊँगी, आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। बाकी आज मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं, आज जुम्मा है, तो सबसे पहले जुम्मा मुबारक आप सबको, अल्लाह पाक आप सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। और काम तकरीबन मेरा हो गया है, मैंने ऑयलिंग की हुई है, जिसमें हेड वॉश करूँगी नमाज पढ़ के, फिर मैं आपको उसे मिलती हूँ। जी जनाब, तो मैं नहा धो के फारिग हो गई थी, बाल मेरे अभी गीले हो रहे हैं, सब कुछ हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली अम्मी वगैरह जा रहे हैं सारा के यहाँ, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि यार मुझे कुछ बना के भेज देना, तो मैं अम्मी को बना के भेज रही हूँ मिक्स सब्ज़ी और चिकन का सामान रखा हुआ थोड़ा सा, वो भी भेजूँगी। बाकी घर के लिए साथ कह के गए थे कि कीमा राइस बनाना, तो वो मैं बना रही हूँ, होप्स वो वैसे ही बने जैसे मुनीता भाभी बनाती हैं, लेट्स सी। बाकी मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ऑमलेट, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से दोबारा से। मैं बड़ा लंबा गैप लेने लगी हूँ आजकल, मैं बड़ा टन चल रही हूँ, तो आती हूँ, बस आती हूँ। हाँ जी जनाब, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने अपने बालों में खुद से ट्राई की है, दोनों सही बनती है नहीं बनती है, मैं भी अभी वीडियो में देखूँगी फ्रेंच टेल जो होती है, सॉरी ब्रेड, क्योंकि आई लव फ्रेंच ब्रेड, बट मैं खुद अपने बना नहीं पाती हूँ, तो पहले चलो आज ट्राई करती हूँ कि बन पाती है नहीं बन पाती है, तो पता नहीं बनी है नहीं बनी है, मैंने बना ली, फिर भी बना ली आज। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, क्योंकि नॉर्मल ब्रेड भी मेरी कभी कभार ख़राब हो जाती है, बस मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है नॉर्मल ब्रेड नहीं बना पाती हूँ, तो मैंने चलो नटी शर्टों में अच्छी लगती हूँ, कि आगे ऑब्वियसली बात है ताहा की शादी है, हमारे यहाँ माशाल्लाह ढोलकियाँ वगैरह और गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं, तो मैंने चलो ब्रेड अच्छी लगती है थोड़ी, हर वक्त बाल खुले अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, एटलीस्ट नहीं लगते हैं। और मेरा मसला ये कि मैं बाल खोल के जाती हूँ और विद इन 10 to 15 मिनट्स में बाल बांध लेती हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट की थी मैंने, आई डोंट नो पता नहीं सही हुई है नहीं हुई है। खैर, मेरा खाना रेडी हो गया, सॉरी आप लोग कह रहे होंगे मैं हाथ बहुत हिला रही हूँ, हाँ क्योंकि मेरे आज दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज करके फारिग हुई थी इसलिए। तो मैं अब जा रही हूँ चावल रेडी करने, और बस अम्मी का खाना रेडी हो गया था, अम्मी वगैरह तो गए हैं सारा के घर, सारा मेरी जो भावज है उसके घर गए, सारा ने आज रुकने जाना था अपने मायके, तो वहाँ छोड़ने गए थे, तो अम्मी और बाबा भी चले गए थे, क्योंकि अंकल से बहुत बनती है माशाल्लाह हमारे यहाँ सबकी, तो खैर व्हाटएवर, खाना बन गया, भैया और वो लोग हैं घर पे, अम्मी वगैरह तो शायद खा कर आएंगे, भैया वगैरह हैं घर पे, तो भैया ताहा लेने आ रहे हैं खाना, तो मैं शायद उससे मिलवाती हूँ। मैंने अपलोड किया है एक, मैंने स्पाइसी नूडल, नॉर्थ में जो स्पाइसी नूडल का चैलेंज किया था वो अपलोड किया है मैंने, तो जाए और देखें उसको, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताएं। बाकी इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, ये वाले से शुरुआत की है।
बाकी नूडल्स कोई ऐसा सच स्पाइसी नहीं थे। हम लोग के होंठ और आजकल खुश्की की वजह से बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं, इस वजह से क्या नाम है थोड़ा सा मिर्चें लगी, वरना मिर्चें भी बिल्कुल ऐसा सच ऐसी नहीं थी कि हाय हाय हाय। मैंने क्योंकि वीडियोज़ देखी थी तो मैं डर रही थी ट्राई करते हुए कि क्या पता क्या हो क्या ना हो, लेकिन बड़े मज़े के थे, अच्छे थे। कभी कभार खाने के लिए नॉर का चटपटा जो है वो बहुत बकवास कर दिया, वो इतना खट्टा इतना टैंगी फ्लेवर उसका हो गया कि वो अब नहीं खाए जाते, उससे अच्छे हैं ये ट्राई कर सकते हैं उसके बजाय। बाकी बस इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा कंटेंट मैं लाने वाली हूँ आगे, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। अल्लाह पाक की मर्जी अगर हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। बाकी आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरी हिम्मत बढ़ाएं, प्लीज़ शो सम लव ऑन माय वीडियोज़। मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ व्यूज़ दें। बाकी मुझे जाना है संडे को इंशाल्लाह ताला, समिया का जिसी वो ग्रुप है मेरी दोस्त समिया जो है उसका अभी एक इवेंट था जिसमें मैं नहीं जा सकी ड्यू टू माई पर्सनल मसरूफियात, तो इंशाल्लाह ताला आप देखें संडे को एक इवेंट है उनका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में है, तो मतलब इस तरह की चीज़ अटेंड करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगी। बाकी इवन वी हैव अ वॉरियर इन आर ग्रुप, तो मैं इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी। बाकी अब मैं जल्दी से चावल भी को दूँ क्योंकि मुझे चावल पहले बॉईल करने फिर डालते हैं कीमे में। जनाब मम्मी को भेजने के लिए दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, मैं शक्ल दिखा देती हूँ। ये तो खैर बना हुआ था पहले से ऑलरेडी, चिकन का सालन है ये, और बाकी ये है मिक्स सब्ज़ी जो कि बहुत यम बनी है। और आज मेरे मियाँ आ गए हैं जल्दी, ये मिक्स सब्ज़ी है अब मियाँ भेजने के लिए जो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो अच्छा है ना वो, आज आप जल्दी कैसे, 9:15 हुए हैं। हेयर वी हैव आर कीमा, ये कीमे में एक्चुअली ऑयल नहीं है, ये सॉस है। ये रहे चावल बॉयल हो रहे हैं मेरे, और ये मेरा अंडा रेडी है। जी जनाब तो बस अब मैं फारिग हो गई हूँ और चाय बनाने जा रही हूँ मैं। मसाला चाय की रेसिपी मैंने डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके ज़रूर देखें और ज़रूर बनाएं। बाकी असाद गए अभी, ज़रा थोड़ा सा सुबह नाश्ते का सामान नहीं था वो लेने, अंडे और ब्रेड, और मैं बनाने जा रही हूँ। बता दिया मैंने रिपीट, एक तो मैं चीज़ों को रिपीट बार बार पता नहीं क्यों करती हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। खैर बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कल का मुझे प्लान नहीं पता, और जो प्लान है वो कन्फर्म नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो कल कुछ मज़ेदार हुआ तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो बनाना तो है ही मैंने। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी इसी बात के साथ कि इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। तो हमें बहुत याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको ज़रूर देखिएगा, मतलब कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको ज़रूर देखिए, और मुझे बताइएगा कि क्या नाम है वो, कैसी लगी आप लोगों को। बाकी अल्लाह हाफिज़।